आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने क्या नोमेनक्लेचर का लेक्चर थर्ड, और लेक्चर थर्ड में क्या सीखना है, आई पिक नेम ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। क्लियर है? तो हम लोग अल्केन का कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक पार्ट वन और टू देखिए, अल्केन देखिए, तब आइए यहां पर लेक्चर थ्री पर। ठीक है, क्लियर सी बात समझ रहे हैं? लेक्चर वन और टू में क्या किया गया है, अल्केन का साइक्लिक पार्ट, ओपन पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट सब बताया हुआ है, और बेसिक पार्ट वन टू में क्या है कि ऑर्गेनिक कहां से स्टार्ट करना चाहिए वो डिटेल से सिखाया हुआ है। तब स्टार्ट क्या करना है हम लोगों को, नोमेनक्लेचर का लेक्चर थर्ड, और यहां क्या सीखेंगे हम लोग, एल्कीन और अल्काइन। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको, उद्देश्य क्या है कि बेसिक पार्ट से स्टार्ट किया जाए और हर एक चीज को आप सीखते जाए जितना अप लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज सीखेंगे नाम किसका, अल्कीन का। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, ओपन चेन का। ठीक, अब जरा देखो कैसे पता चलेगा कि यह कंपाउंड अल्कीन का है, तो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। नाम लिखने का तरीका देखो, अल्केन लिखने सीख चुके हो, अल्केन से एनी हटा देना और ईएनई जोड़ देना, क्या हो जाएगा, अल्क। और जोड़ने के पहले ये जो सफिक्स आप ऐड कर रहे हो, इसके पहले यहां पर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करना है। ठीक है, अब जरा सोचो पूछा जाए ये कंपाउंड किसका है, तो आप कहोगे सर अल्कीन का है। हम पूछेंगे कैसे पता चला कि अल्कीन का है, तो आप बोलिएगा सर ये डबल बॉन्ड से पता चला कि अल्कीन का है। इसका मतलब क्या हुआ, इतना सिंगल बॉन्ड है अल्केन नहीं कहलाया, एक डबल बॉन्ड आ गया अल्कीन कहलाने लगा। यानी पूरे कंपाउंड पर कंट्रोल किसका है, डबल बॉन्ड का। इसलिए रिस्पेक्ट किसका करेंगे, डबल बॉन्ड का। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो किधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, अगर हम आरएचएस से चलते हैं डबल बॉन्ड दो पर मिलता, एलएचएस से चलते तो देखो तो डबल बॉन्ड कहां पर मिलता, तीन पर मिलता। पांच कार्बन को क्या कहते हो, पेंटेन। पेंटेन से क्या निकालोगे, एनी। क्या जोड़ोगे, ईएनई। क्या लिखोगे, पेंट टू ईन। इसे अगर किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ है तो इसे आप गलत नहीं बोलेंगे, यह भी सही है। ऐसे लिखा हुआ है तो इसे आप गलत नहीं बोलेंगे, यह भी सही है। क्लियर है? अगर देखो ध्यान से, एक दो तीन चार पांच छ सात, अगर हम आरएचएस से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड दो पर आ रहा है, एलएचएस से नंबरिंग करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, फाइव पर आ रहा है। रिस्पेक्ट किसका करना है, डबल बॉन्ड का। नंबरिंग किधर से सही होगा, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, इसलिए आरएचएस की तरफ से नंबरिंग होगा। क्लियर है? सात कार्बन को क्या पढ़ोगे, हेप्टेन। हेप्टेन से क्या हटाओगे, एनी। क्या जोड़ोगे, ईएनई। जोड़ने के पहले क्या लिखोगे, पोजीशन किसका, डबल बॉन्ड का कहां पर है, दो पर है तो हेप्टीन लिख सकते हैं। कहीं लिखा रहे टू हेप्टीन तो गलत होगा क्या, बिल्कुल नहीं। हेप्टीन टू लिखा रहेगा तो गलत होगा क्या, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रही है, पहले एक बार नोट करें तब आगे की बात करें। लिख लिए होंगे, चले मिटाए, जरा देखा जाए। अब सब्स्टिट्यूएंट आए, स्टिट्यूएंट आए तब क्या करना है, जरा देखिए रूल बढ़ता चला जाएगा, ध्यान से देखते चले जाएंगे। हम आपसे पूछे ये कंपाउंड अल्केन का है कि अल्कीन का है, तो आप बोलिएगा सर अल्कीन का है,
बोले कैसे पता चला कि एल्कीन का है, तो इस डबल बॉन्ड से सर पता चल रहा है कि एल्कीन का है। तो रिस्पेक्ट किसका करना चाहिए? डबल बॉन्ड का। रिस्पेक्ट किसका करना चाहिए? डबल बॉन्ड का। इसलिए लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग उधर से सही होगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल नहीं करेंगे, पहले डबल बॉन्ड का ख्याल करेंगे। एलएचएस से चल रहे हैं, डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है? चार पर, जबकि सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है? दो पर। जबकि आरएचएस से चलेंगे तो एक दो तीन चार पांच छह कार्बन है, डबल बॉन्ड कितने पर है? दो पर। और सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है? पांच पर। तो नंबरिंग सही किधर से होगा? आरएचएस से। क्यों? तो रिस्पेक्ट किसका किया गया? डबल बॉन्ड का। क्लियर? तो नाम लिखने का तरीका क्या होगा? वे ऑफ राइटिंग, IUPAC नेम, क्या तरीका होगा? तो पहले हम लोगों को पोजीशन मेंशन करना होगा। किसका? तो सब्स्टिट्यूएंट का। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट कहां पर छुटा है, फिर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट छुटा हुआ है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर पैरेंट, कार्बन एटम, चेन नेम, फिर पैरेंट कार्बन एटम चेन नेम। ठीक है, अब जरा देखो आरएचएस से नंबरिंग सही है, कहां पर छुटा है? पांच पर। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो पता चल गया, क्या हो गया? फाइव, फाइव डैश। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट छुटा है? एक कार्बन का। एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को कहते क्या है? मिथाइल। अब टोटल कितना कार्बन है? छह। तो क्या हो गया? हेक्सेन। हेक्सेन से क्या निकलेगा? एएनई। क्या जुटेगा? एएनई। और जोड़ने के पहले क्या मेंशन करेंगे? पोजीशन किसका? डबल बॉन्ड का। फाइव मिथाइल हेक्स टू इन। क्लियर? अगर ऐसा रहता अब देखो ये लाइन फॉर्मूला है, एक दो तीन चार पांच छह सात कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। आरएचएस से चलते हैं तो एक दो तीन पर डबल बॉन्ड मिलता है, ध्यान से देखो, वन टू थ्री। एलएचएस से चलते हैं तो वन टू थ्री फोर पर मिलता है। तो किधर से चलना उचित होगा? आरएचएस से। पहले एक बार देख लेंगे तब नोट करेंगे। क्लियर है? अब क्या छूट रहा है? टू और फाइव पर मिथाइल छूट रहा है, दोनों एक ही जैसा सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखेंगे? टू फाइव डाइमिथाइल। टोटल कार्बन है कितने? सात। सात कार्बन को पढ़ेंगे क्या? हेप्टेन। हेप्टेन से क्या निकालते? एएनई। क्या जोड़ते? ईएनई। और जोड़ने के पहले क्या लिखते? पोजीशन। कहां पर डबल बॉन्ड का पोजीशन है? तीन पर। तो क्या लिखेंगे? हेप्ट थ्री इन। क्लियर? यानी सजा के लिखे तो क्या नाम होगा? टू फाइव डाइमिथाइल हेप्ट थ्री इन। क्लियर? एक और एग्जांपल ले, कहीं दिक्कत होगा तो बताने का है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकता था। डबल बॉन्ड एक दो तीन पर, इधर से भी डबल बॉन्ड एक दो तीन पर, दोनों साइड से डबल बॉन्ड तीन पर है, इधर से भी तीन पर और इधर से भी तीन पर, एलएचएस से भी तीन पर और आरएचएस से भी तीन पर, तब तो धर्म संकट। अब किधर से करें? तब पुराना रूल वापस आ जाएगा, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नजदीक होगा। इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है? तीन पर है। इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है? दो पर है। इसलिए आरएचएस से नंबरिंग होगा ना कि एलएचएस से होगा। अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड बराबर हो तो नंबरिंग उधर से होगा जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, या लेस सम रूल का यूज करेंगे। तो नाम क्या लिखेंगे? नाम हमेशा अल्फाबेटिक। फोर पर क्या छुटा? दो कार्बन वाले को इथाइल कहेंगे, फिर टू पर मिथाइल,
छह कार्बन को हेक्सेन से एन ई हटेगा, एन ई जुटेगा, बीच में क्या जोड़ेंगे, पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पर है, तीन पर है, तो हेक्स थ्री ई नोट किया जाए। लिख लिए, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ और केस देखा जाए। इस पर देखा जाए, पहले ये सोचो रिस्पेक्ट किसका करना है, डबल बॉन्ड का। नंबरिंग किधर से सही होगा, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। यहां दिख रहा है कि आरएचएस से, ध्यान से देखिएगा, आरएचएस से कितने पर डबल बॉन्ड है, दो पर एलएचएस से करते तो डबल बॉन्ड कितने पर आता, ध्यान देखो तो तीन पर। नंबरिंग किधर से सही होगा, आरएचएस के तरफ से, ना कि एलएचएस के तरफ से। क्लियर। टोटल कितने कार्बन है, पांच, तो क्या नाम लिखेंगे, पेंट, एनी हटेगा, एनी जुटेगा, और जुटने के बीच में क्या आएगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत। अब यहां देखो सेम स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा, आरएचएस से। क्यों, आरएचएस से कितने पर पड़ रहा है, दो पर, जबकि सब्स्टिट्यूएंट यहां नजदीक है, फिर भी नंबरिंग किधर से सही होगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं रिस्पेक्ट किसका करना है, डबल बॉन्ड का। नंबरिंग किधर से सही होगा, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। यहां से डबल बॉन्ड कितने पर है, तीन पर, इधर से डबल बॉन्ड कितने पर है, दो पर, तो नंबरिंग सही किधर से होगा, आरएचएस का। यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल नहीं करेंगे। नाम लिखने का तरीका क्या होगा, तो पहले हमें बताना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट कहां पर छूटा है, तो चार पर छूटा है। क्या छूटा है, एक कार्बन। एक कार्बन को कहते क्या है, मिथाइल। टोटल पांच कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन। पेंटेन से क्या हटा, एनी। क्या जुटा, एनी, तो क्या लिखेंगे, पेंट टू ई। क्लियर, अगर देखते जाइए आराम से, है ना। अब जरा देखिए यहां पर एलएचएस से चलते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, पहले सावधानी से देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके जब लेक्चर खत्म हो जाए, एंड हो जाए पूरा, पीछे आके एक एक करके बढ़िया ढंग से नोट कीजिएगा, ठीक है। या लिखने का हम समय देंगे आपको। दोनों साइड से देखिए, डबल बॉन्ड कहां पर है, तीन पर, टाई हो गया। दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेम है, तो प्रीवियस रूल, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होंगे उधर से नंबरिंग सही होगा। इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है, दो पर, और एलएचएस से सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है, पांच पर, इसलिए एलएचएस गलत होगा और आरएचएस का नंबरिंग क्या होगा, सही होगा। कब ऐसा केस कर रहे हैं, जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड का पोजिशन क्या है, सेम है। तो अब यहां क्या नाम लिखेंगे, टू मिथाइल। कितने कार्बन है, टोटल छह। क्या नाम होगा, हेक्सेन। क्या हटेगा, एनी। क्या जुटेगा, ईएनई। जुटने के पहले क्या लिखेंगे, हेक्स थ्री ई। फिर यहां पर आया जाए, सेम छह कार्बन का है, एलएचएस से चलते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
डबल बॉन्ड कितने पर? तीन पर। आरएचएस से चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से भी डबल बॉन्ड कितने पर? तीन पर। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से नजदीक होगा, नंबरिंग उधर से सही होगा। इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट एलएचएस से दो पर, आरएचएस से भी पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पर? दो पर। दोनों साइड से टाई हो गया। अब क्या करेंगे? लोएस्ट सम रूल का यूज करेंगे। लोएस्ट सम रूल क्या कह रहा है कि देखिए किधर से टोटल सब्स्टिट्यूएंट का सम कम पड़ता है। एलएचएस से दो पर दो बार छोटा है तो 2, 2, फिर कहां छोटा है? 5 पर। सम किए तो कितना आया? 9। आरएचएस से चले तो कहां छोटा है? 2 पर। फिर कहां छोटा है? 5 पर। 5 पर ऊपर नीचे दो बार छोटा है तो ऊपर नीचे दो बार छोटा है तो दो बार लिखेंगे 5, 5। इधर से कितना हो गया? 12। इधर से कितना है? 9। क्या बताया थे? पढ़ भी सकते हैं, 225 संख्या है। और यहां से क्या हो गया? 255। क्लियर? सही कौन है? एलएचएस। गलत कौन है? आरएचएस। क्या नाम लिखेंगे? 2 पर दो बार 2, 2 और फिर 5। तीनों तो मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन है तो क्या नाम लिख देंगे? हेक्स 3-ईन। 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल हेक्स 3-ईन। पहले नोट कीजिए यहां तक। लिख रहे हैं। अब उधर की ओर आया जाए। अब इधर आइएगा एलएचएस से, जरा ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पर है? 3 पर। आरएचएस से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डबल बॉन्ड भी इधर से भी कितने पर? 3 पर। दोनों साइड से कितने पर है? 3, 3 पर, है ना। तब सब्स्टिट्यूएंट, इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, इधर से भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, टाई हो गया। तब लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल क्या करता है? यहां पर 2 पर और फिर 5 पर। एलएचएस से चले तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, फिर दूसरा 5 पर। सम किए तो कितना हो गया? 7। आरएचएस से चलते हैं तो पहला कितने पर? 2 पर और दूसरा कितने पर? 5 पर। इधर से भी टाई हो गया 7। लोएस्ट सम रूल क्या हो गया? इक्वल। जब लोएस्ट सम रूल भी इक्वल हो जाए, वैसे केस में अल्फाबेटिक ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट का डिसाइड करेगा नंबरिंग। बी वर्ड पहले आता है कि सी वर्ड पहले आता है? तो बी वर्ड। नंबरिंग किधर से होगा? एलएचएस के तरफ से। नोट किया जाए। लिख लिए? ऊपर वाला मिटाना होगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, इसलिए आपको बार बार कहना पड़े, नोट कर लीजिए, है ना। इसको आराम से नोट कर लीजिए आ जाए, नहीं तो वीडियो लेक्चर जब खत्म हो जाए हमारा तो फिर पीछे आइएगा और फिर पॉज करके पूरे चीज को रिकॉर्ड कीजिएगा, फिर से लिखिएगा, है ना। ऊपर वाला मिटा रहे। देखिए यहां क्या था, एलएचएस से कितने पर डबल बॉन्ड है? 3 पर। आरएचएस से कितने पर है? 3 पर। दोनों साइड से डबल बॉन्ड टाई कर गए तो क्या देखेंगे? नंबरिंग किधर से सही होगा? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितने पर? 2 पर। इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट कितने पर? 2 पर। यह भी टाई कर गया। तब क्या होगा? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है? कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट छोटा है, तो एलएचएस पर पहले 2 पर छोटा है और फिर 5 पर। 2 + 5 कितना हो गया? 7। आरएचएस से चले क्या दिख रहा है? 2 पर फिर 5 कितने हो गए? 7। अब लोएस्ट सम रूल भी टाई कर गया, तब अल्फाबेट यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा किधर से नंबरिंग सही होगा। एलएचएस से बी वर्ड पहले आता है कि सी वर्ड पहले आता है? तो आप कहेगा सर बी वर्ड पहले आता है, इसलिए नंबरिंग को किधर से सही करेंगे? एलएचएस से। गलत किधर से करेंगे? आरएचएस से। लिखेंगे कैसे वो देखिए, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्स 3-ईन।
अल्कीन है तो इन, और थ्री क्या बता रहा है पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब जरा देखिए इधर से चलेंगे तो कितने पर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 तीन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। आरएचएस से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 यहां से भी डबल बॉन्ड कितने पर दिख रहा है, तीन पर दिख रहा है। फिर टाई तो किधर से, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक, इधर से दो पर, इधर से भी दो पर, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी डिसाइड नहीं कर पाया कि भैया किधर से नॉमिनल सही होगा। तब क्या ले सम रूल, एलएचएस से क्या करा, कहां पर छूटा, टू पर, फिर कहां पर छूटा, फाइव पर, कितना बार छूटा, दो बार, ऊपर नीचे दो बार है क्लोरीन, देखो 5 + 5 कितने हो गए 12। आरएचएस से चले कहां पर है, पहला दो पर, कितने बार है, दो बार, 2 2 देन कहां पर है, 5 पर, देखो सम करेंगे कितना आएगा 9, यहां कितना है 12, किधर से नजदीक होगा आरएचएस से, गलत किधर से होगा एलएचएस से। नाम को हमेशा अरेंज करके लिखना, अल्फाबेटिक लिखना है, तो पहले क्या लिखना होगा 5 ब्रोमो, फिर क्या लिखना होगा 2 2 डाइक्लोरो, फिर क्या लिखेंगे हेक्स 3 ईन, क्या लिखेंगे हेक्स 3 ईन। अब देखो इस दोनों पर सावधानी बरतो, कैसे सावधानी बरतना है देखो, सावधानी कैसे बरतते हैं वो देखो, लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहा है ना, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का दिख रहा है, पर जब भी लॉन्गिंग करेंगे डबल बॉन्ड होते ही लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे, डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका करना है, डबल बॉन्ड का, इसलिए डबल बॉन्ड होते हुए लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। तो डबल बॉन्ड होते हुए लॉन्गेस्ट चेन कितना हुआ इधर 5, और इधर जाते तो कितना होता 4, देखो 1 2 3 4, इसलिए ये सही नंबरिंग है। अब ये क्या दिख गया सब्स्टिट्यूएंट, अब सजाओ जरा नाम को, क्या लिखोगे 2 इथाइल, 5 कार्बन को क्या लिखेंगे पेंट 1 इन। और एक बात और जानिए, जब भी 1 पर पोजीशन रहे तो डायरेक्ट पेंटिन भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, क्लियर। वही सेम केस यहां पर है, डबल बॉन्ड होते हुए नंबरिंग करेंगे 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन ये होता, और ऐसे आते तो 1 2 3 4 5 होता, जबकि अगर डबल बॉन्ड को छोड़ दे तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और डबल बॉन्ड होते हुए भी कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा 3 इथाइल। 6 कार्बन को क्या लिखेंगे हेक्सीन, हेक्स 1 इन, क्लियर है। आराम से इसको पहले नोट कीजिए तब आगे की बात करेंगे। लिख लिए होंगे, मिटाया जाए। अब हम लोगों को साइक्लिक सिस्टम की तरफ पढ़ना है, साइक्लिक एल्कीन की तरफ, किधर चलेंगे हम लोग साइक्लिक एल्कीन, ठीक है। साइक्लिक एल्कीन, और साइक्लिक एल्कीन में ये जानिए इसका जो फॉर्मूला होगा मोनोसाइक्लिक का CnH2n-2, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब जरा देखो हम नंबरिंग ऐसे करेगा, ध्यान देने योग्य क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 पूछा कौन सा नंबरिंग सही है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये नंबरिंग सही है। आप पूछिएगा सर क्यों, ये गलत क्यों है, तो समझो जरा बात को, ये 1 2 3 अगर हम नंबरिंग ऐसे कर दें तो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच हो सकता है, 2 3 के बीच हो सकता है, 3 4 के बीच हो सकता है, पर क्या 1 3 के बीच डबल बॉन्ड होगा, 1 4 के बीच डबल बॉन्ड होगा, या 2 5 के बीच डबल बॉन्ड होगा। यानी डबल बॉन्ड जब भी होगा तो कंटिन्यूअस कार्बन एटम के बीच में होगा, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग।
तो डबल बॉन्ड हमेशा किसके बीच होगा? कंटिन्यूअस कार्बन एटम के बीच। इसीलिए डबल बॉन्ड कहां हुआ? 1-2 के बीच हुआ, 1-6 के बीच नहीं होगा। इसका बहुत फायदा होगा आगे, ठीक है? क्या फायदा होगा जरा सोचो। इस तरह से नाम लिखने के लिए दे दिया जाता। तो साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है कि नंबरिंग कहां से चलेंगे? जहां से डबल बॉन्ड होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर इसका नाम पूछा जाता तो हम लोग लिखते साइक्लो हेक्स वन, तो वन लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो साइक्लिक सिस्टम में हमेशा नंबरिंग कहां से होगा? जहां से डबल बॉन्ड है। यह बात समझ में आ गया? तो कोई बच्चा हड़बड़ी में ऐसे नंबरिंग कर देता 1-2-3-4-5-6, कोई बच्चा ऐसे कर देता 1-2-3-4-5-6, कोई बच्चा ऐसे कर देता 1-2-3-4-5-6। बहुत सा तरीका है नंबरिंग करने का। अब इसमें से कौन सही ये चूज करना है, सोचो जरा। यहां डबल बॉन्ड किसके बीच है? 1-6। डबल बॉन्ड जब भी होगा तो क्या होगा? कंटिन्यूअस कार्बन एटम के बीच होंगे। क्या ये 1-6 कंटिन्यूअस दिख रहा है? नहीं, इसलिए ये नंबरिंग गलत हो गया। यहां तो 1-2 के बीच कंटिन्यूअस दिख रहा है, यहां भी 1-2 कंटिन्यूअस दिख रहा है, क्लियर है? तो जब दोनों जगह डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है तब कौन डिसाइड करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। यहां से सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? 3 पर। पर इधर से अगर आते तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पहुंचेगा? 6 पर। तो नजदीक कौन है? 3। सही कौन होगा? ये गलत कौन होगा? ये। नाम लिखने का तरीका क्या होगा? तो पहले हम लोग मेंशन करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो 3-methyl, पूरे को क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सीन। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा रहता एकदम सेम चीज तो क्या करते जरा? 1-2-3-4 ऐसे लिखते। अगर कोई ऐसे लिखना चाहता 1-2-3-4, तो 1-2 तो दोनों जगह सेम है, पर यहां से कितने पर सब्स्टिट्यूएंट है? 3 पर। पर इधर से जाते तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है? 4 पर। सही कौन होगा? ये वाला। गलत कौन होगा? ये वाला। क्या नाम लिखोगे? 3 पर क्या दिख रहा है? मिथाइल। पूरे रिंग को क्या कहोगे? साइक्लो। डबल बॉन्ड है कितने पर? 1 पर। तो 1 का पोजीशन लिखना कोई जरूरी नहीं है। साइक्लोब्यूटील। क्लियर कॉन्सेप्ट है? नोट किया जाए। लिख लिया गया। और एग्जाम्पल देखें साइक्लिक सिस्टम का। कहीं पर दिक्कत? एक बच्चे ने ऐसे नंबरिंग किया 1-2-3-4-5-6, एक ने ऐसे किया 1-2-3-4-5-6। डबल बॉन्ड देखो, दोनों में 1 और 2 पर है। यहां भी डबल बॉन्ड कहां है? 1 और 2 पर है। तब कौन डिसाइड करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहां से कितने पर छूटा? 3 पर। और यहां भी कितने पर छूटा? फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पर। तब तो फर्स्ट पॉइंट तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि नंबरिंग किधर से सही होगा। तो अब क्या लेंगे? लोएस्ट सम। यहां पर 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे? 3-3। फिर कहां पर है? 6। तो टोटल जोड़े थे कितना हो गए? 12। यहां कितने पर है? 3 पर। फिर कहां पर है? 6 पर। तो 6+3 कितने हो गए? 15। कम कौन है? यह। तो सही कौन होगा? ये वाला। गलत कौन होगा? ये वाला। क्या नाम लिखेंगे? 3-3-6 ट्राइमिथाइल। पूरे कंपाउंड को क्या लिख देंगे? साइक्लोहेक्सीन। 3-3-6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अच्छा अब ये बताओ, यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन क्लोरीन दे देते हैं, ठीक है? ऐसे लिखते 1-2-3-4-5-6,
ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाम कैसे लिख रहे हैं? 3 + 6 कितना हो गया? 9। ऐसे लिखते 3 + 6 कितने हो गए? 9। डबल बॉन्ड तो दोनों जगह 1 और 2 पर है ना। ऐसे चलते तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पर है और 6 पर है, 3 + 6 क्या हो गया? 9। और ऐसे भी चलते तो 3 + 6 पर है, कितने हो गए? 9। क्या बताना होगा क्या? तो लेस सम रूल इक्वल है, तब अगर लेस सम रूल इक्वल हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा करेक्ट नंबरिंग को। तो वी वन पहले आता है कि सी, तो ब्रोमो है ये और ये क्लोरो है, तो कौन सा वर्ड आता है पहले? बी, इसलिए ये सही होगा ये गलत होगा, कहीं दिक्कत? तो क्या नाम लिखेंगे? 3-bromo-6-chloro-cyclohexene। समझ में आ रही है बात? अगर ऐसा हो जाता, यहां 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन, नंबरिंग कहां से होगा? डबल बॉन्ड के पास से। एक ने ऐसे किया ऊपर जाके, एक ने ऐसे किया, डबल बॉन्ड 1, 2 के बीच है दोनों जगह, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, यहां भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर। लेस सम रूल देखेंगे, 3, 3 + 6 कितने हो गए? 12। इधर से चलेंगे, 3 + 6, 6 कितने हो गए? 15। कौन सा सही है? ये वाला। गलत कौन सा है? ये। तो क्या नाम लिखना चाहिए? नाम को हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही सजाना है। बी वर्ड पहले आएगा तो क्या लिखेंगे? 6-bromo-3-3-dichloro-cyclohexene। कोई दिक्कत? एक और देख लीजिए, ऐसा है। अब किसी ने नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4 ऐसे, और किसी ने इसी का नंबरिंग ऐसे कर दिया 1, 2, 3, 4। सही कौन सा होगा? आराम से दिख रहा है कि डबल बॉन्ड तो दोनों जगह 1, 2 के बीच में है, तो लोएस्ट सम रूल देखा जाए। यहां क्या दिख रहा है? लोएस्ट सम रूल 3, 3, 4 पर है, कितना हो जाएगा? 10। और यहां क्या दिख रहा है? 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा? 11। तब तो ये गलत हो गया, क्योंकि बड़ा दिखा ये कम है। नाम लिख सकते हो कि नहीं? क्या नाम लिखोगे? यहां लिख देते हैं 3, 3, 4 trimethyl cyclobutene। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, हम भी देख लेते हैं, नोट कीजिए। सबको दिख रहा है, लिख लिए होंगे, मिटाया जाए। अब थोड़ा और देखा जाए एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका नाम पूछ देता, पूछता क्या नाम है। तो नंबरिंग तो या तो रिंग के अंदर होगा या तो रिंग के बाहर होगा, तो यहां पर कहां होगा? तो रिंग के अंदर होगा। ठीक है, तब तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर एल्कीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करेगा तब कैसे नाम लिखते हैं? एल्कीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ध्यान दीजिएगा, एल्कीन वर्ड लिखने सीख चुके हो। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, क्लियर? यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, ई वर्ड निकाल दो, YL वर्ड जोड़ दो, क्या नाम हो जाएगा? अल्किनाइल, अल्किनाइल। चलो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? इथीन। इथीन से एक हाइड्रोजन हटा दिए, ई वर्ड हटा दिए, YL वर्ड जोड़ दिए, ठीक है।
और वाई एन वन जोड़ दिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनाइल। क्या नाम लिखेंगे? इथिनाइल। ऐसे फेमस नाम इसका विनाइल है, कॉमन नेम, वो तो आगे सीखेंगे धीरे धीरे हम लोग। तब ये देखो डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम लिखेंगे? वन इथिनाइल साइक्लो हेक्सीन। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा कंपाउंड आ गया, तब कैसे नाम लिखेंगे? तब तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये वन टू थ्री फोर, नंबरिंग तो रिंग में होगा, एक दो तीन चार पांच छह, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करना है। यहां पर पुनः नंबरिंग कीजिए, वन टू थ्री फोर, अब ये चार कार्बन है और ये बिहेव किसके जैसा कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट जैसा कर रहा है। ध्यान क्या देना, चार कार्बन के एल्कीन को पढ़ते क्या? ब्यूटूइन, पर अभी है क्या? सब्स्टिट्यूएंट, तो ई वन हटेगा, कौन सा वर्ड जुटेगा? वाई एल, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटूइनाइल। क्या नाम लिखना है इसका सही रहेगा? वन ब्यूट टू इनाइल साइक्लो साइक्लोहेक्सीन, वन ब्यूट टू इनाइल साइक्लोहेक्सीन। जरा सोचो, अगर यहां पर ऊपर में लिख देते हैं, यहां पर दो बार इस तरह का इथिनाइल आ जाता तो क्या नाम लिखते? वन टू, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू डाई इथिनाइल साइक्लोहेक्सीन। डाउट है क्या? अगर यही नाम ऐसे रहता, कितना कार्बन है? एक दो तीन, प्रोपीन, प्रोपीन में जरा देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहां नाम लिखते हैं? प्रोपीन है, प्रोप टू, ये वाला पार्ट को लिख रहे हैं, वन टू थ्री, डबल वन कितने पर है? दो पर है, इसलिए इसको नाम लिखे प्रोप टू ई। ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा ये वाला पार्ट, इसलिए ई वन हटा दोगे, कौन सा वर्ड जोड़ोगे? वाई एल। क्या नाम लिखोगे? प्रोप टू इनाइल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या कहिएगा, सर आप इधर उधर लिख रहे हैं, प्रोप टू इनाइल इसका नाम हो गया, पूरे का नाम क्या होगा? वन प्रोप टू इनाइल साइक्लो हेक्सीन। पहले नोट कीजिए, तब आगे की बात करते हैं। लिख रहे हैं, मिटाया जाए तब ना कुछ और एग्जाम्पल देखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम्पल देखा जाए। अब इस तरह से आ जाता, ठीक है, बड़ा रिंग तो ये दिख रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक दो तीन चार, क्या करेंगे आप इसमें? पुनः नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर, क्या नाम लिखेंगे? टू मिथाइल, चार कार्बन को क्या करेंगे? ब्यूट टू इन। अब क्या समझा रहे हैं आपको, यहां से ई वर हटा लो, वाई एल वर जोड़ दो, क्या नाम हो गया? टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूट टू इनाइल, टू मिथाइल ब्यूट टू इनाइल। कोई दिक्कत? अब जरा समझो, पूरे का नाम लिखने वक्त क्या लिखेंगे? वन के अंदर टू मिथाइल ब्यूट टू इनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए यह बात लिखा गया, साइक्लोहेक्सीन।
कहीं दिक्कत हो रहा है? अगर मान लो ऐसे दे देता तो कैसे नाम लिखते? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सब्स्टिट्यूएंट है, पुनः इसमें नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, इसका नाम क्या होता है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होता है? साइक्लो प्रोटीन। अब यहां से क्या करते, ई वर्ड हटाते, वाई एल वर्ड जोड़ते, ये ना सिखा है आपको, तो क्या नाम लिखते? साइक्लो प्रॉप टू इनाइल। इसका नाम क्या हो जाता? 1-cyclo-prop-2-enyl-cyclohexene। क्या दिक्कत हो रहा है क्या? एकदम आराम से नोट कीजिए और हटेगा। यहां देखते हैं, एक अगर मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर इथाइल है, यहां पर मिथाइल है, तो नंबरिंग कैसे करना चाहिए? पहले तो डबल बॉन्ड के तरफ से करेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे या तो ऐसे। सही कौन होगा? डबल बॉन्ड तो दोनों जगह 1, 2 के बीच में ही आ रहा है। लोएस्ट समलू 3+4 7 है, 3+4 7 है, लोएस्ट समलूल भी सेम है, तब अल्फाबेट। ई वर्ड पहले आएगा कि एम वर्ड पहले आएगा, ये बताओ। तो आप कहोगे सर ई वर्ड पहले आएगा, तो ये सही होगा और ये गलत होगा। क्या नाम लिखोगे? 3-ethyl-4-methyl, पूरे रिंग को क्या कहोगे? साइक्लो ब्यूटवानिन। वन तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, नोट कीजिए। तो फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाया जाए, नोट कर लिया, कुछ और केस देखा जाए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट होइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट होइएगा। जरा देखो, ये तो बड़ा आसान था शुरू में, देखे ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, तो क्या नाम कैसे लिखेगा? तो आप तो कहेगा सर ये इथिनाइल हो गया, इथीन था, इथीन से चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या नाम हो जाएगा? इथिनाइल। और इसका बड़ा फेमस नाम क्या है? विनाइल। समझ गए बात को? क्योंकि डबल बॉन्ड वन पर है इसलिए डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं लिखे, पर यहां डबल बॉन्ड वन पर नहीं है, यहां डबल बॉन्ड कितने पर है? टू पर है, तब तो लिखना होगा प्रॉप टू ई। ई वर्ड हटाइएगा, वाई एल वर्ड जोड़िएगा, प्रॉप टू इनाइल। और ऐसे कंपाउंड का फेमस नाम है एलाइल। क्या फेमस नाम है? एलाइल। अच्छा ये देखो, तो डबल बॉन्ड कहां पर है? वन पर है, तो वन का पोजीशन लिखना चाहिए क्या? नहीं, प्रोपीन। ई वर्ड हटेगा, वाई एल वर्ड जुटेगा, प्रोपिनाइल। क्लियर? यहां देखो 1, 2, इसका क्या नाम होगा? 1-methyl-ethene। अब ई वर्ड हटाएंगे, कौन सा वर्ड जोड़ेंगे? वाई एल,
तो वन मिथाइल इथिनाइल और इसका बहुत फेमस नेम होगा। देखो ये जैसे नॉर्मल प्रोपाइल हुआ था उसी तरह ये आइसो प्रोपाइल टाइप का है, पर डबल बॉन्ड है इसलिए नाम उसको लिखेंगे आइसो प्रोपिनाइल। कॉमन नेम जरा समझते जाना, इसका क्या नाम था विनाइल, इसका क्या नाम पर है एलाइल, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। प्रोपिनाइल, आइसो प्रोपिनाइल, तो क्या नाम लिखेंगे, वन इथिनाइल साइक्लोहेक्सीन। तो कहीं लिखा रहे विनाइल साइक्लोहेक्सीन तो घबरा जाएगा क्या, यहां पर लिखा रहेगा प्रॉप टू इनाइल साइक्लोहेक्सीन, कहीं लिखा रहेगा एलाइल साइक्लोहेक्सीन तो घबरा जाएगा क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा वन प्रोपिनाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और यहां क्या नाम हो जाएगा वन के अंदर वन मिथाइल इथाइल, पूरे कंपाउंड को क्या कहेंगे साइक्लोहेक्सीन, और ऐसे कंपाउंड को और क्या कर सकते थे आइसो प्रोपिनाइल साइक्लोहेक्सीन, ऐसे कंपाउंड को क्या कर सकते थे, समझ में आ रहा है बात, कहीं दिक्कत, एकदम आराम से नोट करें, तब कुछ प्रैक्टिस देंगे आपको करने के लिए। लिख लिए हो, एकदम आराम से नोट करो, छूट जाए जब लेक्चर खत्म हो जाए वीडियो में, फिर पीछे बैक आके आप लोग जो चीज छूट जाए उसको पॉज करके लिखना है। चलिए ये प्रैक्टिस आपका है भाई, बन जाएगा। नोट किया जाए खूब आराम से, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, ये आंसर आपको बताना है और कहां मैसेज करना है, हाँ कमेंट बॉक्स में, हर एक चीज को डिटेल से, एक सेट और देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पहले इसको आप लिख लीजिए तब एक सेट और देंगे साइक्लिक सिस्टम पर।
लिख लिया होगा 15 तक हुआ। एक और सेट दे रहे हैं साइक्लिक सिस्टम पर, ठीक है। देखिए अब डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो जाए मेन चेन में तब कैसे लिखते हैं, यानी पॉली मोर देन वन डबल बॉन्ड, पॉली तब आपको एल्केन लिखने सीख चुके हैं। अब एल्केन से सिर्फ एनी हटाइएगा, क्या नाम हो गया अल्का, सफिक्स में तो इन जोड़ना ही है, पहले उसके पहले क्या लिखना है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, अगर दो बार है तो डाई लिखिएगा, तीन बार है तो ट्राई लिखिएगा, चार बार है तो टेट्रा, पांच बार है तो पेंटा एटसेट्रा। क्या कहना चाहते हैं जरा देखिए, वन टू थ्री फोर, चार बार है तो ब्यूटेन तो लिखने सीखे थे, ब्यूटेन से क्या हटा दोगे Ne, क्या नाम हो गया ब्यूटा, कहां है डबल बॉन्ड वन और थ्री पर, तो ब्यूटा वन थ्री, दो बार है तो डाई, क्लियर ब्यूटा वन थ्री डाई, तीन बार होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह कार्बन है हेक्सेन, हेक्सेन से क्या निकाल दिए एनी, सॉरी एनी कहते हैं एनी, क्या नाम हो गया हेक्सा, कहां कहां डबल बॉन्ड है वन पर थ्री पर फाइव पर, हेक्सा वन थ्री फाइव ट्राईइन, हेक्सा वन थ्री फाइव ट्राईइन, क्लियर समझ रहे हैं बात को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइक्लो हेक्सेन तो लिख सकते थे, अब एनी हटा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सा, हेक्सा के बाद वन और थ्री पर डबल बॉन्ड है डाइईन, साइक्लो हेक्सा वन थ्री डाइईन, कंफ्यूजन कहीं पर, फिर समझिए अल्टरनेट दिया रहता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहां पर है वन और फोर पर, डायरेक्ट लिखते साइक्लो हेक्सा वन फोर डाइईन, कहीं लिखने में दिक्कत है, समझ रहे बात को। और एग्जांपल देते हैं, कंटिन्यूअस आ जाता डबल बॉन्ड प्रॉप वन टू डाई, इस तरह के कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को कहते हैं कम्युलेटेड डबल बॉन्ड, ये एक प्रकार का
किस में है, डबल बॉन्ड का, जो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड को कहते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, और ये दोनों से जो नहीं हो पाता उसको कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, सेपरेट डबल बॉन्ड। कंटिन्यूअस रहता कम्युनेटेड, अल्टरनेट रहता तो क्या कहते हैं कंजुगेटेड। अल्टरनेट रहता तो क्या लिखते हम लोग, कंजुगेटेड। और इस तरह से रहता डबल बॉन्ड, न कंटिन्यूअस है और ना अल्टरनेट है, तो ऐसे डबल बॉन्ड को कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड भी तीन तरह से होता है पॉलीन में, अगर लगातार आएगा तब तो कहते हैं उसको कम्युनेटेड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट इस तरह से आया रहता तब तो इसको कहते हम लोग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, और ये दोनों में से कोई नहीं रहता तो क्या कहते आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ये डिटेल से आइसोमिज्म में लाएंगे इसकी कहानी को, ठीक है, अभी इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, नोट कीजिए। लिख लिए हैं, अब आए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के तरफ, तब इसका भी यूज करेंगे हम लोग। एकदम सिमिलर होता है, डबल बॉन्ड जैसा ही होता है ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑपिंग चेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्काइन का, CnH2n-2। कैसे पहचानेंगे कि अल्काइन है, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अल्केन लिखने तो सीख चुके हो, अल्केन से एनी हटा देना और वाई एन वर्ड जोड़ देना, डैश डैश डैश, सफिक्स क्या जोड़ रहे हो यहां पर, वाई एन वाई एन ई, और यहां बीच में क्या जोड़ना है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, सब कुछ वही है। ये कैसा कंपाउंड है, तो आप कहिएगा सर अल्काइन का, कैसे पता चला ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इतना सिंगल बॉन्ड है अल्केन नहीं कहलाया, एक ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन कहलाने लगा, इसका मतलब इंपॉर्टेंस किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का, रिस्पेक्ट किसका करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, सब रूल वही है। नाम लिखने का तरीका, हेक्सेन से एनी हटाओगे, वाई एनी जोड़ोगे, नाम हो जाएगा हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन दोगे हेक्स टू वाई, कहीं दिक्कत, तब तो ऐसे दिया रहेगा। तो अब रिस्पेक्ट किसका करोगे भैया, ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे, क्योंकि पहचान इसकी ट्रिपल बॉन्ड से है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, कोई ज्यादा तो अब मशक्कत करना नहीं है इसमें, सब कुछ डबल बॉन्ड जैसा ही होगा, 5-methyl-hex-2-ion, क्लियर समझ रहे हैं। अब किधर से करोगे, देखो ध्यान से, यहां से ट्रिपल बॉन्ड तीन पर, इधर से 1-2-3, इधर से भी तीन पर, इधर से भी तीन पर, तो नंबरिंग उधर से होगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, रूल वही रहेंगे, 1-2-3-4-5-6, क्या नाम लिखेंगे, 2-methyl-hex-3-ion, कुछ गड़बड़ है क्या, अगर एक सिंपल कंपाउंड सिर्फ इसी का नाम पूछता तो क्या लिखते, इथाइन, वन पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसे लिख दिए तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, पहले नोट किया जाए फिर तब आगे एग्जांपल देखते हैं इसका। इस पर प्रैक्टिस कर लिया जाए थोड़ा,
ठीक है। देखा जाए रिस्पेक्ट किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का, सेम कहानी डबल बॉन्ड जैसा ही करना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा। तो पांच कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रिंट टू आई। अब देखो यहां से, यहां से ट्रिपल बॉन्ड दो पर है और इधर से एक दो तीन पर है, तो किधर से होगा, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, यानी आरएचएस से। अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे नाम लिखेंगे, चार पर क्या छुटा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट, इसका क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल, फोर मिथाइल। पूरे पांच कार्बन को क्या लिखेंगे, पेंटुआइन। क्लियर। अब यहां देखिए, यहां से देखते एलएचएस से वन टू थ्री पर ट्रिपल बॉन्ड है, आरएचएस से चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर से भी तीन पर ही है, देखो वन टू थ्री पर है और इधर से भी वन टू थ्री पर है, टाई हो गया। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर से नजदीक हो, एलएचएस से कहां पर है, दो पर, आरएचएस से भी पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, दो पर, तब क्या देखना है, लोएस्ट सम रूल। फर्स्ट पॉइंट से भी पता नहीं चला तब क्या लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल। एलएचएस से कहां पर देख रहे हैं, टू, और फिर दो बार फाइव पर है, फाइव फाइव कितना हुआ 12, आरएचएस से चल रहे हैं, देखो क्या दिखता है, दो पर दो बार टू टू देन फाइव, ये कितना आया 9, कौन कम है, ये नंबरिंग कौन सा सही होगा, आरएचएस, गलत कौन होगा, एलएचएस, कहीं दिक्कत है, तो क्या नाम लिखना चाहिए, टू टू फाइव ट्राइमिथाइल हेक्स थ्री आइन, ठीक है, यही कंफ्यूजन। अब यहां देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने पर है, तीन पर, इधर से चले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने पर है, तीन पर, दोनों साइड से तो बराबर है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, यहां पर कितने पर है, दो पर, इधर से भी कितने पर है, दो पर। अब क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल, कहां कहां है, टू और फाइव, टू प्लस फाइव कितना हो गया सेवन, आरएचएस से चलेंगे टू प्लस फाइव कितना हो गया सेवन, दोनों साइड से तो सेवन। अब क्या होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर, बी वर्ड पहले आएगा कि सी वर्ड पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, बी, तो क्या नाम लिखेंगे, टू ब्रोमो फाइव क्लोरो हेक्स थ्री आइन, कोई दिक्कत, क्लियर समझ रहे बात को, पुनः देखिए इधर से करते एलएचएस से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने पर है, तीन पर, आरएचएस से करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तीन पर, दोनों साइड से तीन पर है, वन टू थ्री, इधर से भी वन टू थ्री, तब क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इधर से कहां पर है, टू पर, इधर से फर्स्ट पॉइंट भी किधर पर है, टू पर, तब क्या लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल में देखो तो क्या हो गया, टू टू, फिर कहां पर है, फाइव, टोटल सम नाइन, इधर से चलेंगे टू और फाइव फाइव, कितना हो गया भैया, ट्वेल्व, कौन सा कम है, नाइन, गलत कौन सा होगा, ये। पर जब भी नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिक, भैया पहले फाइव प्रोमो टू टू डाइक्लोरो
और छह कार्बन को क्या लिखोगे, हेक्स थ्री आइन। डाउट है? नेक्स्ट देखिए, रिस्पेक्ट किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड को। जब भी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लेते हुए नंबरिंग करना होगा, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये छूट गया, तो क्या नाम देंगे, 3-ethyl hexane। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने डबल बॉन्ड में सीखा, खाली डबल बॉन्ड के जगह क्या हो गया है, ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सिखाना है, पहले इसको नोट कीजिए। लिख लिए होंगे, मिटाया जाए। कोई दिक्कत? अगर ऐसा कंपाउंड आ जाता, ये बेंजीन है और इसके साथ एक ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से जुड़ जाता एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा तो कैसे काम करेंगे, अल्काइन एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो क्या करना है यहां पर, अल्काइन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ई वर्ड हटा के वाई एल वर्ड जोड़ देना, क्या नाम हो जाएगा, अल्केनाइल। क्लियर? अब जरा देखो, इसका नाम क्या होगा, ई ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन, हाइड्रोजन हटाए ई वर्ड निकलेगा, वाई एल वर्ड जुट जाएगा। क्लियर है? क्या नाम हो जाएगा, इथेनाइल। तो इसका क्या नाम लिखना पसंद करेंगे हम लोग, वन इथेनाइल, इथेनाइल बेंजीन। अगर एक से ज्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब कैसे नाम लिखेंगे, सेम कहानी, अल्केन लिखने सीख चुके थे, अल्केन से एनी हटाएंगे, क्या नाम हो गया, अल्का डैश डैश, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या लिखोगे, दो बार तो डाई, तीन बार तो ट्राई, चार बार तो टेट्रा, वाई यानी, कहीं दिक्कत है? क्या लिखे, 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन है, तो पेंटेन लिखने सीख चुके थे, क्या हटा देंगे, एनी, क्या नाम लिखेंगे, पेंटा 1,3-diene, पेंटा 1,3-diene। अगर ऐसा रहता तो क्या नाम लिखते, हेक्सा। अब देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों साइड से नंबरिंग सही है, करके देख लो, अगर दिक्कत है तो हेक्सा 1,3,5-triene, कहीं दिक्कत? अगर कभी ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही साथ आ जाए तब क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब एक ही साथ आ जाए तब कैसे क्या करेंगे, है ना। अब देखिए, पहले नोट पॉइंट रखना है कि डबल बॉन्ड को सीरियटी टेबल में ट्रिपल बॉन्ड से सीनियर माना गया है, तो
तो सिलेक्टिव टेबल जब जाएंगे और आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा फास्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड से, यानी रिएक्शन करने की एबिलिटी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड को। तो जब हम लोग सिलेक्टिव टेबल पढ़ेंगे फंक्शन ग्रुप का तो देखेंगे कि डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए जब ऐसा कभी केस आ जाए कि एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से चलते देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड एक पर है, ट्रिपल बॉन्ड तीन पर है, और आरएचएस से चलते तो डबल बॉन्ड ही एक पर है, ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है, तीन पर है। तो रिस्पेक्ट किसका करेंगे पहले, डबल बॉन्ड का। नंबरिंग किधर से सही होगा, आरएचएस से। गलत किधर से होगा, एलएचएस से। तो क्या नाम हो जाएगा आप, क्योंकि दोनों कंपाउंड के बीच में है, एनी हट्टा एल्केन का और ईएनई और वाईएनई जुटता है, इसलिए दोनों सफिक्स के रूप में यूज होगा। कैसे यूज होगा जरा देखो, चार कार्बन है, ब्यूटेन से हट गया पहले। अब ये समझो, ई वर्ड आता है कि वाई वर्ड आता है, तो आप कहोगे सर ई वर्ड आता है डबल बॉन्ड का, तो ब्यूट वन इन और थ्री आइन लिखना है, ठीक है। अगर दो बार डबल बॉन्ड हो, एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो, तब कैसे करेंगे, तब भी इसी तरह करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, वन थ्री हेक्सा, वन थ्री डाइईन और फाइव आइन, पांच पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड कितने पर है, दो पर, और इधर से ट्रिपल बॉन्ड दो पर है, तो रिस्पेक्ट पहले किसका कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का। नंबरिंग किधर से सही है, आरएचएस से, तो क्या नाम लिखेंगे, हेक्स टू इन फोर आइन। बातें समझ में आ रही है, अगर ऐसा रहता तो क्या करते, एलएचएस से चल रहे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ट्रिपल बॉन्ड दो पर और डबल बॉन्ड चार पर, और इधर से चल रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये तीन पर और ये पांच पर। अगर ऐसा कभी केस आ जाए, यहां क्या दिख रहा था कि इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड दो पर और डबल बॉन्ड भी दो पर, तब तो चूज करना आसान कर था कि डबल बॉन्ड सीनियर है तो चूज कर दिया। यहां थोड़ा सावधानी बरतना है, एलएचएस से चलेंगे तो फंक्शन ग्रुप दो और कहां पर मिल रहा है, चार पर, सम कितना हुआ छह, और इधर से चलते तो कहां मिल रहा है, तीन और पांच पर, सम कितना हुआ आठ, यानी यहां फंक्शन ग्रुप के पोजीशन का ही सम देखेंगे, किधर से कम है, एलएचएस से, नंबरिंग किधर से होगा, एलएचएस से, यहां क्या होगा, गलत। यहां सब पर क्या हो रहा था, पोजीशन देख रहे थे तो दोनों साइड से दो प्लस चार कितने आ रहे थे, छह, इधर से भी दो प्लस चार क्या आ रहे थे, छह, तो डबल बॉन्ड को हमने सीनियर मान लिया था, इसलिए नंबरिंग उधर से हो गया था। यहां पर नंबरिंग इधर से होगा, फिर भी डबल बॉन्ड सीनियर है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, तो नाम क्या हो जाएगा, हेट, सात कार्बन है, हेट फोर इन, क्योंकि ई वर्ड पहले आता है, टू आइन। कहीं दिक्कत, यहां भी करके देख सकते थे, नाम में एक प्लस तीन कितना आता, फोर, और इधर से भी चलते तो वन प्लस थ्री कितना आता, फोर, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा, दोनों साइड से तो बराबर है, तो डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट कर रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, इधर से छह है लोएस्ट सम रूल, इधर से कितना है आठ है, इसलिए नंबरिंग किधर से हो रहा है, एलएचएस से हो रहा है, क्लियर। नोट कीजिए तो कुछ और बात करेंगे।
चिकनी होंगे, मिटाया जाए धीरे धीरे। अब थोड़े सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लिया जाए, तब प्रैक्टिस किया जाएगा। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है कि अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जानते तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है sp, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलता है sp, क्योंकि ये दो सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है और ये भी कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है। और sp जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर लीनियर। इसका मतलब अगर हम लोग इस दोनों को sp और sp लिखते तो ये तो दोनों लीनियर है। अब ये कार्बन से ये H कितना डिग्री पर है, 180। इसका मतलब sp sp हाइब्रिडाइजेशन होने के चलते यहां पर चार एटम एक ही एक्सिस पर है, ये भी 180 एंगल, ये भी 180 एंगल, ये भी 180 एंगल, ये भी 180 एंगल। बात समझ रहे हैं? अगर H के जगह पर कार्बन हो जाता एक साइड, तो ये भी sp, ये भी sp, और ये क्या हो जाता है sp3। अब यहां पर H कार्बन कार्बन, एक दो तीन चार एटम हर हाल में क्या होंगे, एक ही एक्सिस पर होंगे, क्लियर है। अगर ऐसा हो जाता तो यहां पर ये भी sp है, ये भी sp है, तो ये दोनों एटम तो एक्सिस पर रहेंगे। अब ये भी कार्बन एक्सिस पर रहेगा और ये भी कार्बन एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। इसलिए जब हमको इसको ऐसा लिखना होगा तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इसका मतलब आपको समझना होगा कि यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटुआइन। ये समझिएगा, एल्कीन जैसा नहीं है कि तुरंत बेंट हो जाएगा। एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था इसलिए उसको बेंट कर देते थे यहीं से, पर यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो जब हमको ऐसा लिखना होगा तो ये एक कार्बन दो तीन, ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइन। ऐसा लिखना होगा, जरा देखो, इथाइन। इस बात की सावधानी रखिएगा, यानी कभी ऐसा लिख दिया है तो यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या नाम हो जाएगा, ऑक्ट टू आइन, ऑक्ट टू आइन। कहीं कंफ्यूजन है क्या, फिर समझिए। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या लिखेंगे, ऑक्ट फोर आइन। क्लियर, समझ में आ जाए कैसे काम करना है। यही कारण है कि हम लोग साइक्लिक एल्कीन रेयरली पॉसिबल करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया तब तो ये चाहेगा कि सीधा हो और ये भी चाहेगा कि सीधा हो, तब ये सीधा होना जब चाहेगा तब तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए लोअर नंबर में यानी अप टू कार्बन सिक्स तक में ट्रिपल बॉन्ड मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, हायर नंबर में मिलेगा, पर लोअर नंबर में साइक्लिक एल्काइन खोजना मुश्किल काम होगा। की फैक्टर है, समझ रहे बात को, लोअर नंबर में नहीं मिलेगा, हाइयर नंबर में मिलेगा। 10 कार्बन 12 कार्बन में हम लोग बना सकते हैं स्टेट चेंज करके, ठीक है। इसलिए साइक्लिक एल्काइन का एग्जांपल हमने नहीं दिया, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम प्रैक्टिस देंगे इसी रूप में देंगे, इसी रूप में प्रैक्टिस आपको एल्काइन का करना है ना। पहले नोट कीजिए आराम से, कहीं दिक्कत बताइएगा। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp, यानी चार एटम तो एक एक्सिस पर रहेगा ही, यहां चारों एटम में दो कार्बन है दो हाइड्रोजन है, पर जब यहां पर एक तरफ और कार्बन जुट गया तो तीन कार्बन एक हाइड्रोजन हो गए, यहां क्या हो गया, चारों कार्बन हो गए, क्लियर है। चारों कार्बन को ऐसे देखेंगे,
तीन कार्बन को ऐसा लिखेंगे, दो कार्बन को ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? नोट किया जाए। लिखिए तो होमवर्क देते हैं, इस पर पूरा प्रैक्टिस किया जाए एक बार, डाउट होगा तो बताना भी है ना। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। कुछ और यहां दे दें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दे दें। ये सब इंपॉर्टेंट वाला है, तेरा देखिएगा। स्थिर से बनाइए, तो बना के क्या करना है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बना कि नहीं बना, जो नहीं बना उसके बारे में बताइएगा। स्पेशल बनाने का पैकेज दे देंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, वो भी बनाना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपका नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक भी। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक को मैथमेटिक्स जैसा ही मानिए, जिस तरह से कैलकुलस में वर्क करते हैं उस तरह से वर्क करना है आपको नोमेनक्लेचर में। ठीक है, नोट किया जाए।